अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास की आप रोल नंबर कैसे चेक कर सकते हैं ये तरीका लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर 9th क्लास के बच्चों के लिए जो बड़े हैं, दिनों से अपने रोल नंबर स्लिप का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया क्योंकि मैं तरीका बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपनी रोल नंबर स्लिप इंटरनेट पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं। ये यूसी ब्राउज़र मैंने ओपन किया हुआ है। तो सर्च ऑप्शन में जाके आप 22 लाहौर लिखेंगे तो आपके पास ऐसा पेज खुल जाएगा। सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करें तो ये 22 लाहौर का जो पेज है उसका इंटरफेस आपके पास ऐसा नज़र आएगा। तो आप जो है यहाँ नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर रोल नंबर स्लिप मैट्रिक 9th एनुअल एग्ज़ाम। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके पास एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ जो पेज उसने दिया है इसमें 4 तरीके दिए हैं, 4 तरीक़ों से आप अपनी रोल नंबर स्लिप सर्च कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो है ये फॉर्म से आप मतलब फॉर्म जो आपने एडमिशन फॉर्म दिया होगा, जब आपने एडमिशन भेजा तो आपको एक रसीद मिली होगी, उस पर रोल वो पेपर जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो फॉर्म नंबर उस पर लिखा होगा। वो फॉर्म नंबर यहाँ इंटर करेंगे और गेट रोल नंबर स्लिप पे ओके करेंगे तो आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। उसके बाद जो नीचे 2 ऑप्शन हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा पेपर दिए थे, या फिर उन बच्चों के जिनकी सप्लियाँ हैं वो अपना पुराना रोल नंबर ऐड करेंगे तो उनकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। उसके बाद रेफरेंस नंबर से भी आप अपनी रोल नंबर स्लिप सर्च कर सकते हैं जो कि एडमिशन फॉर्म पे ही होता है। उसके बाद सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है एंड पे, ये है नेम बाई नेम, मतलब आपको अपना एग्जैक्ट नेम पता हो, फादर का एग्जैक्ट नेम पता हो तो आप उससे सर्च कर सकते हैं। तो मैं बाई नेम सर्च करूँगा। अगर ऊपर वाले तरीक़ों में से कोई भी आपके पास है तो वो आप कर लें। अगर आपको नहीं पता तो अपना नाम तो पता ही होगा, मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है उसका मैं नाम लिखता हूँ, ये जीशान। उसके बाद अच्छा ऐसे जब आप इंटर करेंगे तो ये देखें अब इस नाम के जितने बच्चे हैं वो आ गए हैं, ठीक है। तो ये 4-5 बच्चे हैं सेम नाम के, मतलब वालद का नाम भी सेम और वैसे बच्चे का नाम भी सेम है। तो आप सब में अलग अलग करके चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा आपकी कौन सी रोल नंबर स्लिप है। तो मैं सबसे निचली वाली चेक करता हूँ, तो यही बच्चा है, मैं इसी की सर्च कर रहा हूँ। देखें मैंने पहले क्लिक किया तो उस पर ही आ गई, तो ये 9th क्लास का बच्चा है। तो इस तरह आप जो है अपनी रोल नंबर स्लिप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे आपको दूंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।